आलू की सब्जी रोज रोज खाकर हम बोर हो चुके हैं। अब आलू को नए तरीके से बनाया जाए। आप ये रेसिपी घर पर जरूर ट्राई करें और आपको नॉन वेज से भी अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। वो कैसे बनाएंगे आइए हम दिखाएंगे आपको। हमने मीडियम साइज के कुछ आलू लिए हैं और अब हम इन्हें छील लेंगे। हमारे सारे आलू छिल चुके हैं, अब हम इनके चार भाग कर लेंगे और साथ के साथ पानी में डालते जाएंगे। अगर आपको चार टुकड़े नहीं करने तो आप छोटे आलू भी ले सकते हैं। छोटे आलू की और सब्जी मस्त बनेगी। अब इन आलू को हम धोकर बाहर निकाल लेंगे। आलू धोकर साफ कर लिए हैं हमने अच्छे से और इनका पानी भी पोंछ लेना अच्छे से। और इनमें अब छेद कर लेंगे फोर्क की सहायता से या चाकू की सहायता से इनमें अच्छे से छेद कर लेंगे ताकि इनमें मसाला अंदर तक चला जाए। आप इन्हें उबाल के भी बना सकते हो, मैं बिना उबाले फ्राई करके बनाऊंगी। सारे आलूओं में छेद हो चुके हैं, अब हम फ्राई कर लेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें आलू डाल लेंगे। जितने एक बार में आए उतने डाल लेंगे। आलू हमें 80% कुक करने हैं, बाकी के ग्रेवी में पक जाएंगे। हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें बाहर निकाल लेंगे। बाकी के आलू भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं, अब हम ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने चार टमाटर लिए और तीन प्याज लिए हैं और चार से पांच हरी मिर्च लिए। अब इन्हें काट लेंगे। टमाटर का हम पेस्ट बना लेंगे और प्याज हम बारीक बारीक काट लेंगे। और हरी मिर्च काट लेंगे। अब टमाटर हरी मिर्च को मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें एक तेज पत्ता डालेंगे, एक बड़ी इलायची डाल लेंगे, दो छोटी इलायची डाल लेंगे और चार पांच काली मिर्च डाल लेंगे, दो लौंग डाल लेंगे और एक जावित्री डाल लेंगे और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल लेंगे, एक चम्मच जीरा डाल लेंगे। अब इसमें कटा हुआ प्याज डाल लेंगे। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। एक चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे।
एक चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, एक चम्मच हम गरम मसाला डाल देंगे, एक पिंच हम हींग डाल देंगे, एक चम्मच हम नमक डाल लेंगे, एक चम्मच हम चाट मसाला डाल लेंगे, थोड़ा सा हम पानी ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम टमाटर की ग्रेवी डाल देंगे। हमारी ग्रेवी पक चुकी है, अब हम इसमें दही डाल देंगे। एक छोटी कटोरी हमने दही ली है, दही खट्टा नहीं होना चाहिए, और इसे चलाते रहेंगे ताकि दही फटे ना। उबाल आने तक इसे चलाएंगे। हमारी ग्रेवी पक चुकी है, अब हम इसमें आलू डाल लेंगे। हमारी ग्रेवी की पकने की ये निशानी है कि तेल छोड़ देती है। तेल अच्छे से छोड़ दिया है, अब आलू डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे। दो मिनट तक ग्रेवी में पकने देंगे, उसके बाद हम थोड़ी तरी कर लेंगे। हमारे दो मिनट हो चुके हैं और आलू भी ग्रेवी में अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें तरी अपने हिसाब से कर लेंगे। मीडियम गैस करके 5 मिनट पकने देंगे। इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे क्रश करके। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे। हमारी दम आलू की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे दही आलू भी बोल सकते हो। जितनी सब्जी हमारी देखने में अच्छी लग रही है, उससे ज्यादा खाने में टेस्टी है। और आप रोटी, पराठा, नान जिसके साथ खाना चाहो उसके साथ खा सकते हो।